आज के फोकस में। और बीते हमने कई पॉजिटिव खबरें देखी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, कुछ बड़ी खबरों पर निगाह डालते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पांच सबसे बड़ी खबरें, आपको पता है अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जीडीपी की विकास दर 8.4% दर्ज की गई। ये बीते हफ्ते की शायद सबसे बड़ी खबर थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। फरवरी माह का जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपया रहा, 12% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई दी जीएसटी कलेक्शन में। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56.9 के स्तर पर रहा, जो 5 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, नए ऑर्डर्स कितने मिले। अगले एक दशक तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 20% का योगदान करेगा, आईएमएफ ने कहा। और भारतीय शेयर बाजार में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 73,994 के पार पहुंच चुका था बीते हफ्ते। तो ये बड़ी खबरें जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रोफेसर प्रशांत कुमार घोष, जो कि अर्थशास्त्री हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के रह चुके हैं और सीधे प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको और स्वागत है आपका इकॉनमी टुडे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर हम इन खबरों पर निगाह डालें तो सबसे पहले जीडीपी विकास दर से ही शुरुआत करते हैं। क्या 8.4% ने आपको भी आश्चर्य में डाला? नहीं, आश्चर्य की बात तो नहीं है, एक बहुत सकारात्मक अंक है ये। और मैं कहूंगा कि जो अमृतकाल का पहला वर्ष हमारा है वो वास्तव में अमृत लेकर आया है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है। हम जब आर्थिक, एक सूचकांक है मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स यानी आर्थिक भेद्यता सूचकांक, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति का सबसे बढ़िया आकलन है, केवल जीडीपी ही नहीं है। उसमें हम लोग तीन चीज़ें लेते हैं, एक है राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है मुद्रा स्फीति की दर इन्फ्लेशन, और तीसरा है चालू खाते का घाटा यानी विदेशी क्षेत्र। हम इन तीनों ही क्षेत्रों में एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 2025-26 तक हमें राजकोषीय घाटा, जैसे कि अर्थव्यवस्था के सबसे प्रमुख संकेतक के रूप में माना जाता है, उसे हमें 4.5 से नीचे लाना है। अभी एक साल बचा हुआ है और इस साल हम 24-25 में उसको 5.1 पर आने की आशा कर रहे हैं। ये 2021-22 के वित्त मंत्री के बजट स्पीच का हिस्सा है। मुद्रा स्फीति की दर, जिसकी अधिकतम सीमा 6% तक अच्छी मानी गई है, वो हम ऑलरेडी उससे नीचे हैं, लगभग 5% के आसपास हम जनवरी 2024 में रहे हैं। और जो विदेशी क्षेत्र का जो आकलन है वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें हम लोग कहते हैं कि 1.5% से अगर नीचे आपका चालू खाते घाटा है तो बहुत अच्छा है। और हम अगर आज की स्थिति देखें तो हम पहली 3 तिमाही में ही 1.1% पर आ गए हैं और आशा ये करते हैं कि जब वर्ष बीतेगा हम 1% से भी नीचे चले जाएंगे। तो ये जो तीनों स्थितियां हैं आकलन के लिए वो बहुत ही अच्छी हैं। दूसरी बात मैं एक और यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, विश्व में एक प्राथमिक उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक जारी किया जाता है जिसमें 29 देश शामिल हैं, और ये एक अच्छी खबर होगी कि इन 29 देशों में जो अभी फरवरी 2024 का महीना बीता है, विश्व में भारत ने उसमें सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है, जिसका अंक 69.4 है आउट ऑफ 100, जबकि विश्व का जो औसत है वो 49.1 है। तो हमें 20 अंकों की छलांग पूरे विश्व अर्थव्यवस्था के औसत से अधिक लगाई है, ये बहुत अच्छी खबर है और जो हमारे ग्रोथ को और आगे बढ़ाती है। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि जब हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, 10 साल के बाद जी पारिवारिक उपभोग व्यय का सर्वेक्षण हुआ है। अगर हम देखें कि 2011-12 में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोक्ता व्यय था वो क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2600 रुपये था, वो आज बढ़कर 3800 से अधिक रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 6000 से अधिक नगरीय क्षेत्रों में पहुंच गया। ये जो बहुत बड़ी छलांग है, इसने ही हमारे उद्योग को और सेवा क्षेत्र के उत्पादन को जो जीडीपी में योगदान देता है उसको पुश करने में बहुत बड़ी मदद की है। और जैसा आप कह रहे थे कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जिसमें हम लोग दो हिस्से लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विसेज, इसमें आपने जो 56.9% बताया है उससे भी कहीं अधिक जो सर्विस सेक्टर का है वो 62 रहा है आपके फरवरी 2024 में। तो इतनी बड़ी छलांग है और जो संकेत ये करता है, जिसमें आप जानते हैं कि उसमें 5 संकेतक हैं, नए ऑर्डर और प्रोडक्शन के मैनेजर्स को क्या मिल रहे हैं, कंपनियों को क्या मिल रहे हैं, आउटपुट क्या हो रहा है, रोजगार क्या है, और जो सप्लायर है उनका डिलीवरी टाइम कितना है,
और स्टॉक का परचेज कितना है। इसमें सबसे अधिक जो भारांश है 30% का, वो है नए ऑर्डर्स। तो नए ऑर्डर्स के साथ जब ये बढ़ता है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था एक नई छलांग लगाती है। इसलिए जीडीपी के तीसरे तिमाही का जो आंकड़ा है वो मुझे चौंकाता नहीं है, और ये संकेतक आ रहे हैं कि जब ये चौथी तिमाही बीतेगी तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं नव हिंदू वृद्धि दर, 7% से ऊपर एक्सपेक्टेड है, ये 7.6% पूरे वर्ष की होगी, जो बहुत ही अच्छा और एक हाई ग्रोथ रेट है, ये देखते हुए कि विश्व औसत हमसे बहुत कम है और जो बहुत अन्य बड़े देश हैं वो हमसे बहुत पिछड़े हैं। तो मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडिया हैज ऑलरेडी इमर्ज्ड, इसका उदय पहले ही हो चुका है, ये उदीयमान नहीं रह गया है। और जिस तरह से IMF जैसी बड़ी संस्थाएं ये भी कह रहे हैं कि भारत जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और ये लगातार जारी रहेगा, सर अगले अगले कुछ सालों में जो अभी वैश्विक परिदृश्य है जिसमें कहा जा रहा है कि अब इन्फ्लेशन में शायद कमी होने की उम्मीद है, ब्याज दरों में शायद कमी होने की शुरुआत हो सकती है अमेरिका से, जिसका असर इमर्जिंग इकोनॉमीज पर पड़ेगा, हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है कि हम अप्रैल मई जून के बाद में हो सकता है इंटरेस्ट रेट में कटौती की शुरुआत हो जाए, तो क्या आप उसको एक बड़ा फैक्टर देखते हैं अगली छलांग के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से? निश्चित रूप से, और अभी अभी बिल्कुल हाल में एक बहुत बड़ी संस्था है गोल्डमैन सैक्स, उनकी रिपोर्ट आई है एशिया इन फोकस इंडिया, तो इंडिया पे रिपोर्ट फोकस किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो भारत का एक्सटर्नल बैलेंस है वो आज एक शब्द होता है गोल्डी लॉक्स, यानी एक आदर्श स्थिति में है, जिसके लिए उन्होंने चालू खाते के घाटे को और स्ट्रांग पब्लिक कैपिटल फ्लो को, एडिक्वेट विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्तता और बहुत निम्न विदेशी ऋण, ये जो चार फैक्टर हैं वो हमारे लिए वैदेशिक क्षेत्र को भी बहुत उन्नत कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि इंडिया की जो अगली छलांग है, मैं सोचता हूँ कि ग्रोथ रेट हम डबल डिजिट तक ले जाएंगे अगले कुछ वर्षों में, उसमें जो संवाहक होगा वो भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तो होगा ही, साथ ही साथ एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो हमें बहुत ऊंची छलांग देगा, और जिसमें हम लोगों ने आज जहां एक और बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था भारत की चीन है, वो हमसे बहुत पिछड़ती जा रही है और हम आगे निकलते जा रहे हैं, और खासकर कुछ विशेष क्षेत्रों में, वो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, चाहे चिप मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हो, इन सभी क्षेत्रों में हम विश्व में सबसे उच्च स्थान हासिल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है, मुझे लगता है कि हम लोग शीघ्र ही दोहरे अंकों की ग्रोथ रेट, अभी तो हम 8.4% की बात कर रहे हैं, और इंडिया का लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव है वो है सुपर हिंदू ग्रोथ रेट, और मैं संतुष्ट हूं कि हम इस सुपर हिंदू ग्रोथ रेट को निश्चित प्राप्त कर पाएंगे। सर आपने ग्रोथ की तो बात की, पहले ये आरोप लगाया जाता था कि जो ग्रोथ है जॉबलेस ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसमें जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से कंजम्पशन के आंकड़े बताए 10 साल बाद जो जारी किए गए, जिसमें शहरों और गांवों के बीच का अंतर भी कम हो रहा है और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर करने की ताकत क्षमता गांव में भी बढ़ रही है, तो ये जो कम होता हुआ दायरा है दोनों शहरों और गांवों के बीच में रिवर्स माइग्रेशन शायद होना शुरू हो जाए, वो क्या दिखाता है? क्या हम वाकई समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से आज जो समावेशी विकास है वो पूरे विश्व के लिए आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु बन गया है, और हमने भारत में ये शब्द आज का नहीं, हमारे जब 11 फैक्टर हम ले रहे थे तो उसका हमने केंद्र बिंदु बनाया था समावेशी विकास को, और उसे 12th में भी हमने मोर समावेशी की बात की थी, आप चाहे उसे विकास के समस्त आयामों में, यानी केवल आय में नहीं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वो अन्य सोशल सेक्टर के प्रोग्राम में देखें, तो ये समावेशी विकास हमने बहुत अच्छा किया है। और जहां तक आपने जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की चर्चा की, मैं उसका एक चीज और उसमें जोड़ना चाहूंगा, जो विषमताएं जिसकी आप चर्चा करते हैं, विषमताएं जो होती हैं आय वितरण की, उसमें अगर हम 2011-12 की तुलना में 2022-23 की तुलना करें, तो विषमता नापने का, आय विषमता नापने का जो सबसे अच्छा मापदंड होता है किसी अर्थव्यवस्था में, वो है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट। आप ये देखेंगे कि अर्बन सेक्टर में ये गिनी गुणांक, यानी जितना इसका अंक नीचे होगा उतना अच्छा होगा, ये एक दशक में 36.7 से घटकर 31.9 पर आ गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.7 से घटकर 27.0 पर आ गया है। तो विषमताएं भी वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत कम हुई हैं, और जब और इसकी रफ्तार जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका परचेजिंग पावर मैनेजिंग इंडेक्स का पुश बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा संकेतक है जो समावेशी विकास की ओर ले जाने के लिए
प्रतिबद्ध है भारत के लिए। एक अंतिम सवाल सर, ये जो स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा सर्ज देखा जा रहा है, क्या वो किसी तरह का बबल तो नहीं है? क्या लोगों को बाद में परेशानी तो नहीं हो सकती है? पहले जो हम लोग कैपिटल फ्लाइट देखा करते थे इमर्जिंग इकोनॉमीज से वापस अमेरिका की तरफ जाता हुआ, लुकिंग एट द करंट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एट द ग्लोबल लेवल, आपका असेसमेंट क्या है स्टॉक मार्केट में जो ये सर्ज है उसको लेकर? सर ने अभी गोल्डमैन सैक्स की चर्चा की, जिसमें एशियन फोकस इंडिया के लिए उन्होंने चार एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की, और जब ये चार एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद होते हैं निश्चित रूप से हम लोग एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जिसमें विश्व के निवेश को हम आकर्षित करते हैं, वापस नहीं होते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत देशों का निवेश अब जो बड़े देश से विशेषकर चाइना उससे डाइवर्ट होकर टुवर्ड्स इंडिया आ रहा है, और इंडिया इज बिकमिंग, हम लोग पहले कहते थे कि इंडिया चाइना इज वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड इंडिया इज वर्ल्ड ऑफिस, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि इंडिया इज बोथ वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड ऑफिस बोथ। तो हम अट्रैक्ट करेंगे, जब आप देखिए कि हमारा सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपनी उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, 73,000 से अधिक हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी हमारा 22,000 से अधिक प्राप्त कर गया है, जबकि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था में छलांग है वो हमारी अपेक्षा बहुत धीमी है। तो ये एक मैग्नेट का काम करता है, और विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बहुत अच्छा है, और ग्रोथ रेट तो सबसे बड़ा आकर्षण है निवेशक को, विदेश निवेशक को आकर्षित करने के लिए। हम इन सारे सेक्टर में बहुत पॉजिटिव है, साथ साथ जो हमने एक अपना लीडरशिप और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मैसेज विशेषकर G20 सम्मेलन के बाद, उससे भारत की छवि स्तर पर बहुत अग्रणी नेतृत्व वाली हुई है, और वो निश्चित रूप से हमें निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा। रिवर्स नहीं होगा, यहाँ से आउटफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा, ये मेरा अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और मैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने आपके आपके संरक्षण में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बहुत खुशी है, आज मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा दिन है आपके साथ बात करके और कुछ सवाल करके, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में गरीबी को लेकर के अच्छी खबर है, हाल में एक अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन ने एक लेख में दावा किया कि भारत ने अति गरीबी को खत्म कर दिया।